I loved it. It's pretty cool. And I really like the accent you're speaking in. Thank you. I play a Maharashtrian girl. Yeah. And I hope I get the accent right. I mean, Chennai. Sounds like it. Sounds like it. I've been a good boy too long. मैं बहुत मतलब काफ़ी महीनों से गुड बॉय रहा हूँ और अब थोड़ा आज रात थोड़ी मस्ती करनी बनती है. बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर. जी जी आपके दोस्त. ओह वाओ फैंटास्टिक सुपर माइंड ब्लोइंग जबरदस्त जबरदस्त. किस किस की अपेक्षा कर रहे हैं यहाँ पर? आई हैव नो आइडिया. रितेश साहब ने हमें बुलाया, हम आ गए और अब जाएंगे अंदर तो देखेंगे कौन कौन आए हैं. आप सबसे थोड़ा लेट हो गए आने में. हाँ यार मैं किल्दिल की शूटिंग कर रहा था तो इस वजह से. नहीं नहीं वो किल्दिल का पोस्टर नहीं है जी, वो माय नेम इज रणवीर सिंह जो एक म्यूजिक वीडियो बनाया है मैंने और शांत ने वो उसका है. कुछ और बताना चाहेंगे उसके बारे में आप? हाँ यार लोगों को पसंद आ रहा है तो आज मैं बहुत खुश हूँ. हाँ ये एक्चुअली दिन धड़क ने दो के लिए काटे थे तो सोचा आज कुछ अलग स्टाइल ट्राई करूँ तो मतलब ये निकल के आया. सोचो मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता ये कौन सा गाना है. आई थिंक आई लाइक इट. हाँ हम मैं अंदर डांस करूँगा. हाँ जी पता नहीं कैसे. वन क्वेश्चन रणवीर की, आप अंदर जाएंगे बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं, आप एक कई फ्रेंड्स हैं, प्रियंका भी है, दीपिका भी है, वहां पर अनुष्का भी है. जी जी जी. ऐसी सिचुएशन में कैसे अपने आप को संभाल पाते हैं आप? मतलब उनके अलावा भी और काफी सारे लोग हैं. रितेश साहब है जिनको मैं पहले मिलूंगा एंड देन आई टेक इट फ्रॉम देयर. आप हमेशा बताया जाता है पार्टी की रौनक रहते हैं और कई बार जो मेजबान होता है उसकी जगह आप खुद आ जाते हैं. हाँ जी जो मेजबान होता है यानी खुद आप बन जाते हैं. हाँ नहीं ऐसा नहीं, नहीं आज के होस्ट रितेश साहब हैं. ओके तो अब मैं जाता हूँ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजॉय. रणवीर अच्छा मतलब रणवीर के साथ क्या बात है यार. रणवीर रणवीर इंडिपेंडेंस डे. थे विच वॉज द फर्स्ट ऑनलाइन वेबसाइट दरअसल में सही सीधे भाई से. अभी गाकर आया मतलब आप? हाँ काफी. सॉरी एनी गिफ्ट फॉर हिम? वेल आई वुड होप माय फ्रेंडशिप इज दिस इज फॉक्स. मेरी फिजिकल फिट नहीं पर... अरे पोस्टर देख. अरे छोड़ो ना यार अभी. गुड इवनिंग. एक तो ये भाग शुरू हो गया. हाँ हाँ फ्रेश लग रहे हैं लेकिन थोड़े थके हुए लग रहे हैं. क्या फ्रेश और थके हुए कोई कैसा लग सकता है एक साथ? जैसे थके हुए हो ना के आ जाओ. अच्छा ऐसे ना के तो आया हूँ ना मैं. वो अच्छी बात है. हाँ मेरी फिजिकल फिटनेस के बारे में इंटरव्यू है. आप पूछे ना नोबल फेथ के बारे में. चलिए आप बताइए. नहीं बस मैं रितेश और डॉली के लिए आए हैं और उनकी आज इवेंट है तो बहुत खुश है. मेरे पुराने दोस्त हैं वो और मेरे नेबर्स भी हैं. इमीडिएटली मेरे घर से मैं सीधे रितेश और डॉली के घर को देख सकता हूँ. सो दे आर माय इमीडिएट नेबर्स. नहीं हमेशा जब उनकी पार्टी होती है तो उनको मुझे बुलाना पड़ता है क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि उनके घर कौन आया है. अच्छा ये हो गया. आप किस पे? मेरी फ्रेशनेस में थकान नहीं है. मैं काम करता हूँ मेहनत करता हूँ. अभी मेहनत का असर कभी कभी चेहरे पे पड़ जाता है तो कभी फिल्मों पे. और कई बार आपकी थोड़ी डांस से आ रही है आपको
ये आपकी लाइटिंग का असर है, मेरे सर्कल्स डार्क नहीं, आपकी लाइटिंग डार्क है। हैप्पी न्यू ईयर आउटस्टैंडिंग, द प्रोमो इज आउटस्टैंडिंग। मैंने अभी मैंने फारा और शाहरुख से बात की कि मुझे लगता है ये वाकई एक इवेंट फिल्म है, जैसे इवेंट फिल्म होनी चाहिए। सीजन की फिल्म आती है, दिवाली फिल्म आती है, और इसमें तो दो बड़े धमाकों का मजा है। एक तो दिवाली की फिल्म है, ऊपर से टाइटल हैप्पी न्यू ईयर। शाहरुख और दीपिका का अमेजिंग कॉम्बिनेशन, अभिषेक कमाल के लगे मुझे, आई थॉट ही वाज अमेजिंग। फारा खान की एनर्जी छा चुकी है उस फिल्म में। उस कुछ फिल्मों को देख के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर जो है वो तो होने वाली है, लेकिन वो उससे भी थोड़ी ज्यादा करने वाली है। मुझे धमाल लगा, मुझे इंटरनेशनल लेवल में नहीं जानता, बट मुझे धमाल लगा। मुझे लगा कि दिस फिल्म विल डू वेरी वेल एवरीवेयर। अब मैं ये नहीं कह सकता कितने, मुझे लगता कि 500 करोड़ से भी ज्यादा कर ले तो आई विल बी वेरी हैप्पी। सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, मैं देख पाया, वो बहुत बड़ी हिट ऑलरेडी साबित हो चुकी है। मुझे बेहद पसंद आई किक एंड आई वेरी हैप्पी फॉर साजिद, उसकी पहली फिल्म थी। आई लव पीके, आई लव राजू हिरानी, आई थिंक आमिर खान एंड राजू हिरानी टुगेदर, आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट, आई मीन आई कांट वेट टू सी ऑल दीज मूवीज, इट्स अ टेरिफिक ईयर। मुझे पोस्टर बहुत अच्छा लगा, बहुत इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग लगा। अब मैं यहाँ पूरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं हो चुका है। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय। सर सर एक विजुअल दे दो साथ में, सर प्लीज सर, अभी आ जी प्लीज साथ में विजुअल दे दो। हमें रितेश